belong to Thali Santo. Thali means bud. We are Capuchin Franciscans, budding poor to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Thalir is also a virtual institute for spirituality, integrity and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.thalircenter.org. Contact us, mail to thalir@gmail.com. Thank you. प्रभु येसु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें दुनिया के अंत के बारे में बताती है। मृतकों का पुनरुत्थान पर विश्वास बाइबल में दानियल की पुस्तक पहले पुस्तक है जिसमें अनंत जीवन की उल्लेख की गई है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अनिश्चित और बदलती दुनिया है, जिस पर हमें भरोसा करने के लिए कुछ ठोस चाहिए। एक क्रिस्तीय भाई बहन के लिए ईश्वर पर विश्वास सबसे बड़ी बात है। जैसे जैसे हम साधारण वर्ष के अंत की ओर बढ़ते हैं, हमारा सुसमाचार हमें यीशु की भविष्यवाणियों और शिक्षाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपनी दुख भोग और मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे पहले कि हम प्रभु यीशु के शब्दों पर विचार करें, उस समय के राजनीतिक स्थिति के बारे में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय यह सुसमाचार संत मार्कुस के द्वारा लिखा गया था, अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि संत मार्कुस ने रोम में या उसके आसपास रहने वाले ख्रिस्तियों के लिए यह सुसमाचार लिखा था। यीशु की मृत्यु के लगभग 30 या 40 वर्ष बाद जब यह सुसमाचार लिखा गया था, तब रोम में राजनीतिक स्थिति की उथल पुथल की समय थी। कुछ ख्रिस्तीय सम्राट नेरो के शासनकाल के दौरान रोमन राजनीतिक द्वारा उत्पीड़न का सहन किया। यहूदी क्रांतिकारियों ने रोमी राजनीति के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे रोमियों ने 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया। इस राजनीति उथल पुथल और उत्पीड़न के समय संत मार्कुस के समुदाय ने सोचा होगा, शायद यही अंत समय की भविष्यवाणी प्रभु येसु ने किया है। पिछले रविवार को हमने मंदिर के खजाने में किए जा रहे योगदान के बारे में येसु के अवलोकन को सुना और बलिदान देने का उदाहरण जो उसने गरीब विधवा की भेंट में देखा। यदि हम संत मार्कुस का सुसमाचार को लगातार पढ़ रहे हैं तो हमने यीशु के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी को सुना होगा और हमने यीशु के शिष्यत्व के विषय में शिक्षा और विपत्तियां जो अंत समय में आएंगे उसके बारे में भी सुना होगा। यीशु शिष्यों को अंतिम दिन के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। यीशु अपनी शिक्षा जारी रखते हुए कहते हैं, सतर्क रहकर मनुष्य के पुत्र का आगमन का संकेत को देखते रहो। उनके शब्द और छवि पुराने व्यवस्थान के दानियल के पुस्तक के चित्रण में पाया गया है। इसके बाद यीशु अंजीर के पेड़ का शिक्षा देते हैं, एक दृष्टांत जो सिखाता है कि यदि कोई संकेतों को पढ़ना जानता है, अंत समय के लिए तैयार रहें। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को इस अंतिम समय के लिए जागते रहने की चेतावनी दे रहे थे।
वे उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क रहने के लिए कह रहे थे। हमें उन परिवर्तनों के लिए तैयार रहना है जो हम अपने जीवन काल में और अंतिम समय में अनुभव करेंगे। हमारी आशा और सांत्वना प्रभु येसु के वचनों में ही है। कई लोग इस अंतिम समय के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन येसु कहते हैं स्वर्गीय पिता को छोड़कर इस समय के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हमें भयभीत होने के बजाय अधिक आशावान होना चाहिए। आज का सुसमाचार हमें दूसरों की सेवा में अपना जीवन सार्थक रूप से जीने के लिए आमंत्रित करता है। हमें हमारे लालच, उपभोक्तावादी और सांसारिक जीवन शैली के प्रति भी सावधान करता है। हम शाश्वत नहीं हैं, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ईश्वर ने हमें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय सीमा के साथ दुनिया बनाने के लिए आमंत्रित किया है। दुनिया को और भी सुंदर बनाने के लिए, लोगों के साथ प्यार से रहने के लिए ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें। हम किस पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या हम हमेशा मृत्यु और दुनिया के अंत के बारे में सोचते हैं, या हम अच्छे काम करने, सुसमाचार को जीने और दुनिया के अंत को डांटकर सामना करने के बारे में सोचते हैं? हे ईश्वर, हमारे माता और पिता, आपने हमें जो जीवन दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस दुनिया में आए और हमारे जैसे इस दुनिया में जीवन व्यतीत किया। हमारे जीवन को अर्थपूर्ण ढंग से जीने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। दूसरों तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता दिखाया। हमें कृपा कर यह समझाइए कि हमारा समय सीमित है, इसलिए इस जीवन को सही तरीका से जीने के लिए हमें शक्ति और अनुग्रह दीजिए। आमीन।